हेलो एवरीवन वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो चलिए इन्हें वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं सो so आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टेन के टेन ग्राम इज वट परसेंट ऑफ वन के जी एक के जी का दस ग्राम कितने परसेंट होता है तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है तो याद रखिए जब भी इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होता है आपके पास यूनिट्स दिए हो और डिफरेंट यूनिट्स दिए हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं और आपके पास दो क्वांटिटी दी है एक दस ग्राम और एक वन के जी फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी तो इसका जो आपका मेथड रहता है सॉल्व करने का फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है तो ये आपके इस तरह से सॉल्व होगा फर्स्ट क्वांटिटी इज टेन ग्राम और सेकेंड क्वांटिटी इज वन के जी मल्टीप्लाई हंड्रेड अब यहाँ पर एक चीज जो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है एक आपके पास ग्राम में है और एक किलोग्राम में है बल्कि हमने पढ़ा होता है कि हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए या तो दोनों के जी में होने चाहिए या तो दोनों ग्राम में होने चाहिए सो तो इस वन के जी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वन के जी मतलब एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं तो वन के जी किससे रिप्लेस हो जाएगा वन थाउजेंड ग्राम से तो ये बन गया आपका दस ग्राम अपॉन थाउजेंड ग्राम मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो गया टू जीरो से टू जीरो कैंसल आउट होगी वन जीरो से वन जीरो कैंसिल आउट होगी हमारा कितना बच गया वन तो आपका आंसर आ गया वन परसेंट आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स वाई सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स इंटू वाई ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स प्लस वाई तो यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ या तो अपॉन हंड्रेड कर, ली, कर लीजिए दोनों तरफ यहाँ या तो परसेंटेज से परसेंटेज काट लीजिए और वन जीरो से वन जीरो भी कैंसल आउट होगी ठीक है तो ये आपका बन गया सिक्स इंटू एक्स माइनस वाई टू इंटू एक्स प्लस वाई अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सिक्स इंटू इज सिक्स एक्स सिक्स इंटू वाई सिक्स वाई टू इंटू एक्स टू एक्स टू इंटू वाई इज टू वाई अब एक्स वाली वैल्यू एक साथ आ जाएगी और विदाउट एक्स वाली एक साथ तो यहाँ से जब टू एक्स सिक्स एक्स के पास आएगा यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा टू वाई एज इट इज रहेगा सिक्स वाई यहाँ पर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा ठीक है तो सिक्स माइनस टू इज फोर एक्स सिक्स प्लस टू वाई इज एट वाई तो फोर वन जा फोर फोर टू जाट तो x की वैल्यू यहां पर आ गई टू वाई बट हमारे से पूछा है वट परसेंट ऑफ x वट परसेंट ऑफ x इज y ठीक मतलब है मतलब वट परसेंट कितना परसेंट है एक्स का वाई तो हमें ये परसेंटेज निकालनी है या तो आप इसे रिक्वायर्ड परसेंटेज का नाम दे दो तो वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड बिकॉज हमें परसेंटेज निकालनी है ठीक है वाई हमारा y ही रहेगा x की वैल्यू आ गई टू वाई मल्टीप्लाई हंड्रेड वन वाई से वन वाई कैंसल आउट टू से हंड्रेड फिफ्टी टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ गया फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज एटी परसेंट ऑफ वाई एक्स इज एटी परसेंट ऑफ वाई वट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई फिर सेम क्वेश्चन है वट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले यहां हम परसेंटेज रिमूव कर लेते हैं तो जीरो से जीरो कैंसल आउट टू फोर जू फाइव टेन एक्स की वैल्यू आ गई फोर वाई अपॉन फाइव ठीक है यहाँ हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड एक्स की वैल्यू वाई एज इट इज रहेगा एक्स की वैल्यू है फोर वाई अपॉन फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड अब यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यू आ गई और तीनों फ्रैक्शन में है तो जो सबसे बॉटम वाला है वो टॉप में चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है फाइव को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव वाई आ जाएगा अपॉन फोर वाई मल्टीप्लाई हंड्रेड अब फोर से Y से आउट कर लेंगे फोर से हंड्रेड ट्वेंटी हो जाता है तो 25, 5, 125 percent. I hope ये भी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है आपका ट्वेल्व परसेंट ऑफ वन फोर्टी ट्वेल्व परसेंट यानी कि अपॉन हंड्रेड ऑफ मीन मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ टू हंड्रेड क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं परसेंटेज अपॉन ऑफ मल्टीप्लाई टू हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया है अब आप इसे यहाँ से आगे खुद सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपको ये क्वेश्चन कितने सॉल्व करने आए हैं. ठीक है थीके? और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए आप इसे कर सकते हो नेक्स्ट है आपका इफ 120 ट्वेंटी इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ अ नंबर इफ 120 ट्वेंटी इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ अ नंबर नंबर मैंने एक्स ले लिया देन वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दैट नंबर मतलब जो नंबर आएगा ऑफ दैट नंबर इज वॉट मतलब वो क्या होगा ठीक है तो इससे यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू यहां से आएगी यहां पुट कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा तो ये होगा 120 ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ऑफ एक्स तो यहां पर 10 से वन जीरो कैंसल आउट कर लो टू वन टू सिक्सटी टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा टू से तो सिक्सटी इंटू टेन इज सिक्स हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स हंड्रेड तो यहां पर हो जाएगा वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड तो परसेंट को जब यहाँ से रिमूव करेंगे अपॉन में हंड्रेड आ जाएगा टू जीरो से टू जीरो कैंसल आउट ये बन गया वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी जो कि आपका आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपका अ नंबर एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट सेल्फ बाय फोर्टी कोई नंबर है ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ ये अपने आप को ही ट्वेंटी परसेंट से एक्सीड कर रहा है बाय फोर्टी तो प्लस फोर्टी ठीक है तो नंबर निकालना है आपको तो यहां पर हम पहले परसेंटेज रिमूव कर लेंगे वन जीरो से वन जीरो कैंसल आउट टू वन जा टू टू फाइव वन इंटू एक्स इज एक्स तो एक्स इज इक्वल फाइव प्लस फोर्टी यहां से आपके पास एक्स अपॉन फाइव इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा सो ये बन गया एक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर्टी यहाँ एलसीएम ले लेंगे फाइव और वन का एलसीएम फाइव हो गया फाइव इंटू एक्स इज फाइव एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्टी ये फाइव एक्स माइनस वन एक्स आपके पास फोर एक्स हो गया फोर एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर्टी तो x की वैल्यू निकालनी है टेन टाइम चला जाएगा x इज इक्वल टू फिफ्टी तो आपका आंसर आ गया फिफ्टी नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन अ नंबर इंक्रीज बाय थर्टी सेवन परसेंट एंड ये बोल रहा है नंबर इंक्रीज बाय थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट सॉरी वन थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट एंड द इंक्रीमेंट इज थर्टी थ्री और जो आपका इंक्रीमेंट है वो थर्टी थ्री है सॉरी ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई नंबर इंक्रीज बाय सो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वन थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट को आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप इसको एक सौ सैंतीस पॉइंट भी मान सकते हो क्योंकि वन थर्टी सेवन एंड हाफ का मतलब यही होगा ना एक सौ सैंतीस पॉइंट पांच इज इक्वल्स टू थर्टी थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा थर्टी थ्री अपॉन वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो एक्स आ गया थर्टी थ्री अपॉन वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज रिमूव करनी है तो मल्टीप्लाई हंड्रेड अब यहाँ से आगे ये आपको खुद सॉल्व करना है बस कैंसल आउट ही करना है कैंसल आउट करके जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपका आंसर होगा तो ये थे आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं इसीलिए मैंने ये यह यहाँ पर वन बाय वन करके आपको सॉल्व कराए सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू